आपने संगठन में 16 साल जीवन लगाया, 16 साल जीवन के अनुभव एवं तजुर्बे के आधार पे वर्तमान ऐसी परिस्थितियाँ क्या बनी, देश में दो सबसे बड़े एनआईस होने के बाद एनडीए क्योंकि उसके बाद में हमारे को राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाने की जरूरत बनी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा जो बनाया गया उसके पीछे बहुत बड़ी सोच है। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को सबसे पहले समझना होगा, और वो उद्देश्य है व्यवस्था परिवर्तन। और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा अभी 5 क्षेत्र में काम करेगा। एक राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा सामाजिक, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा राजनीतिक, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा शिक्षा क्षेत्र में, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा आर्थिक, और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र मतलब हम लोग आने वाले दिनों में अंग्रेजी में प्राइमरी लेवल पर अभी यूट्यूब पर हम लोग अंग्रेजी में टीवी चैनल शुरू करने जा रहे हैं। अब जब भारत में यूपीए और एनडीए जो गठबंधन है उसके बावजूद भी राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा हम लोगों ने इसलिए बनाया क्योंकि ये यूपीए गठबंधन ब्राह्मणों का है, एनडीए गठबंधन भी ब्राह्मणों का है। यूपीए कांग्रेस ने बनाया, एनडीए बीजेपी ने बनाया, और ये गठबंधन बनने, ये यूपीए और एनडीए गठबंधन बनने की वजह से क्या हुआ कि हमारे समाज के जो नेता है, एक तो वो क्षेत्रीय नेता बन गए, जैसे बहन जी यूपी तक सीमित, मुलायम सिंह यूपी तक सीमित, नीतीश कुमार जी बिहार तक सीमित, लालू प्रसाद जी बिहार तक सीमित, अर्जुन मुंडा शुभ सोरेन झारखंड तक सीमित, छोटू भाई वसावा गुजरात तक सीमित, रामदास अठवले प्रकाश आंबेडकर जी शरद पवार जी महाराष्ट्र तक सीमित। तो ये क्षेत्रीय नेता बनाए और आगे जाकर हमारे नेता को जाति के नेता बना दिए, जैसे बहन जी को कहते हैं चमारों के नेता, मुलायम सिंह जी को कहते हैं यादव के नेता, लालू प्रसाद जी को भी यादव के नेता कहते हैं, नीतीश कुमार जी को भी कुर्मी के नेता कहते हैं, जीताराम मांझी को मांझी मुसर के नेता कहते हैं, उधर शुभ सोरेन को संतानों के नेता कहते हैं, अर्जुन मुंडा को मुंडा सरदार के नेता कहते हैं, छोटू भाई वसाव को भील के नेता कहते हैं, रामदास अठवले जी प्रकाश आंबेडकर जी को महारों के नेता कहते हैं, शरद पवार को मराठों के नेता कहते हैं। तो यूपीए एनडीए से क्षेत्रीय नेता तो बन गए लेकिन आगे जाकर जाति के नेता बना दिए। लेकिन इस देश में जो ब्राह्मण है वो देश का नेता बना हुआ है। अडवाणी देश का नेता, अमित शाह देश का नेता, सोनिया गांधी देश का नेता, राहुल गांधी देश का नेता, और हमारे नेता क्षेत्रीय नेता, हमारे नेता जाति के नेता। तो ये यूपीए एनडीए की वजह से जो संख्या में सबसे ज़्यादा जो समाज है और इस देश का मूल निवासी है, ऐसा बहुजन समाज का राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कोई मजबूत दल या राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कोई मजबूत नेता ना होने की वजह से बाम से भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा के तमाम ऑफशूट भी, करीबन 87 हमारे ऑफशूट भी गए, मिलकर हम लोगों ने निर्णय लिया कि राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारा दल होना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारा नेता होना चाहिए, नेतृत्व होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया। जी 2017 का इलेक्शन, हाँ 2017 के इलेक्शन में हम जो 45 साल से बेसरा साहब आंदोलन जिसको लेके चलते हैं उसका 2017 के इलेक्शन में, वर्तमान जो अभी इलेक्शन हुआ इसमें जो हस्तक्षेप था उससे कम था, अभी बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप होने के बाद में, और आप भी उसमें एक स्टार प्रचारक के तौर पर थे इलेक्शन के दरमियान, आपने 6 महीने वहाँ लगाए, आपको इस इलेक्शन से क्या अनुभव और तजुर्बा हुआ जो समाज के लिए भविष्य के साथ कायम कर सकता है, जो अनुभव तजुर्बा हुआ वो समाज को आप बताने का प्रयास करें। 2017 हो, 2019 हो या 2014 हो, 2022 का हमारा अनुभव रहा और हम लोगों ने बहुत सारी बातें सीखी,
सबसे बड़ी बात हम लोगों ने सीखी कि किसी भी संगठन को बाह्य खतरा कम, आंतरिक खतरा ज़्यादा होता है। जी जी, दुनिया में वर्तमान समय में ये परिस्थितियाँ क्रिएट हुई है दुनिया में। दूसरी बात ये हमने सीखी कि हमारे महापुरुषों को खत्म करने के लिए दुश्मनों की जरूरत नहीं थी। जी। तो ये चीज हमें इस इसमें दिखाई दी 2022 में कि वामन मेश्राम साहब पानी का घड़ा भरने का काम कर रहे थे और हम में से ही कुछ लोग जो है, हमारे में से ही कुछ लोग जो है वो उस मटके को छेद गिराने का काम कर रहे थे। तो इस सवाल के संदर्भ में मैं ज़्यादा डीप में जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इस रेफरेंस में मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ कि 2017 की तुलना में या 19 की तुलना में या 14 की तुलना में अगर 2022 में उत्तर प्रदेश में अगर रिजल्ट जो आपको दिखाई दिया उसमें सबसे बड़ा मेजर कारण ये था कि कुछ लोग रोटी घर की खा रहे थे और काम दुश्मन के लिए कर, और ढोर डंगर जो है वो मामू के चरा रहे थे। एक है रोटी घर की खाना और ढोर डंगर मामू के चराना, और दूसरा है एक व्यक्ति घड़ा भरने का काम कर रहा है और उस घड़े को छेद गिराने का काम जो है जो लोग कर रहे थे, इस वजह से ये सबसे ज़्यादा सत्यानाश हुआ। दुश्मन कर रहा है बात तो समझ में आ रही है, लेकिन कुछ अपने ही अगर कुछ लोग जब घड़े को छेद गिराने का काम करते हैं तो निश्चित रूप से उन लोगों के लिए सिर्फ एक शब्द पर्याप्त है, जो मेश्राम साहब ने इंटरव्यू में भी कहा कि अब उनको संगठन ने गद्दार घोषित किया, भगोड़ा घोषित किया। हाँ। एक मेरा और क्वेश्चन है आपसे, वो क्वेश्चन ये है कि 18 मंडों की रैलियाँ हुई इलेक्शन के दरमियान। हाँ। और जिसमें मुख्य रूप से जो बड़ी रैली एक लखनऊ रमाबाई अम्बेडकर मैदान की रैली, एक इटावा की रैली, इसमें जो जनसैलाब एवं अम्बेडकर नगर की रैली में जो जनसैलाब आया था और वहाँ का जो जन समर्थन मिल रहा था उससे ये जाहिर था कि हम बहुत बड़े पैमाने पर हमारे को उसमें सफलता हासिल हो सकती है, लेकिन सफलता नहीं मिली। मिली क्या, ना के बराबर सफलता मिली, जो एक वोट कन्वर्ट में नहीं मिली। हाँ, जन समर्थन जरूर मिला। आप इसको ईवीएम से किस आधार से कनेक्ट कर पाओगे, ईवीएम की वजह से? पहली बात तो हमें ध्यान रखना है, जो पहला सवाल आपने पूछा तो मैंने घड़े को छेद गिराने का जी ये एक कारण बताया, क्योंकि वो सवाल आपने पर्सनल पूछा। जी जी, ये पर्सनल सवाल है। जी, आपका सवाल ही ये था कि मेश्राम साहब इतने बड़े व्यक्ति 2022 में जब राजनीतिक हस्तक्षेप किया तो रिजल्ट ऐसा क्यों आया, इसलिए वो जवाब था। अब आपने जो सवाल पूछा है ये इम्पोर्टेंट सवाल है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी रिजल्ट क्यों कम आया, तो निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर इस देश में ईवीएम घोटाला हो रहा है और उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी ईवीएम का घोटाला हुआ। दुनिया में कहीं पर भी ईवीएम पर चुनाव नहीं होता, भारत में चुनाव हो रहा है और ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, ये संविधान के लिए खतरा है। और आज हमारा भविष्य आज ईवीएम मशीन जो है वो तय कर रही है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करता हूँ कि देश भर में जो हमारी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो जल्द से जल्द इकट्ठा होकर हम लोगों ने ईवीएम के विरोध में इस देश में वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन इस देश में जिसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। मेरा आखिरी एक सवाल है जी, अभी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले हार बंद हुआ 25 मई को, उसका बड़े पैमाने पे सफलता मिली, जो संपूर्ण देश में हुआ, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, लेकिन उसका असर पहला देखने को मिला जो उड़ीसा सरकार ने अपने जितने कलेक्टर थे उनको ये नोटिस जारी करके और हार समर्थन सुबह 6 बजे से लेके 7 घंटे के लिए हार बंद का समर्थन किया। दूसरा बिहार के अंदर बिहार सरकार उसने जातीय आधारित जनगणना कराने के लिए तैयार हुई। तीसरा आज महाराष्ट्र सरकार ने भी अनाउंस किया कि जातीय आधारित जनगणना करेगी। तो ये जो हाथ बंद हुआ ये ओबीसी के बैनर तले हुआ जो राष्ट्रीय पिछड़ा, इसका भविष्य दूरगामी परिणाम क्या होने वाले हैं? आने
वाले दिनों में हमारा कहना यही है कि इस देश में ओबीसी ये एससी एसटी का बड़ा भाई है, संख्या में 52% है। हमारी कोशिश है कि वो जल्द से जल्द जागा हो और इस देश का राजा हो। और जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा भारत बंद हुआ था 25 मई 2022 को, अभी भी कह रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार ने कहा, बिहार सरकार ने कहा, ओडिशा के सरकार ने कहा, कहना अलग बात है, अभी भी है, अगर केंद्र सरकार अगर ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं करते हैं तो हम बहुत जल्द से जल्द भारत बंद की तैयारी और हम लोग कर रहे हैं, करने वाले हैं। और इस बार ओबीसी पूरे देश भर में भारत बंद में शामिल होने वाला है और बहुत जल्द इस देश में बड़ा भारत। आप एक बहुत बड़े संगठन के लीडर हो और राष्ट्रीय नेतृत्व हो, युवाओं के कल ही नहीं दो दिन पहले पाकिस्तान जो एक राष्ट्र है जहाँ लोकतंत्र नाम की चीज ही नहीं है उसी ने ईवीएम को हटाया, तो ईवीएम के संदर्भ में भारत की सरकार को आगाह करते हुए आप क्या कहना चाहते हो भारत के लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए? पहली बात तो राजा की जान जैसे तोते में है वैसे ये ब्राह्मण की जान जो है ईवीएम में है। ईवीएम हटा दो, ईवीएम खत्म कर दो तो ब्राह्मण का ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, ब्राह्मण धरातल पर आ जाएगा। मैं लोकतंत्र बचाने के लिए और संविधान को बचाने के लिए मैं भारत के मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि इस देश में अलग अलग रहकर हम लड़ने के बजाय, आइसोलेशन में रहकर लड़ने के बजाय हम लोग जो है मिलजुल कर ये लड़ाई लड़नी चाहिए। सामाजिक ध्रुवीकरण की आंदोलन इस देश में जो बामसेप चला रहा है उनके साथ में मिलजुल कर हम लोग लड़ेंगे तो निश्चित रूप से सामाजिक ध्रुवीकरण से ईवीएम का भी बंदोबस्त होगा और ईवीएम का बंदोबस्त हुआ तो लोकतंत्र भी सुरक्षित रहेगा और संविधान भी सुरक्षित रहेगा। 2025 में आरएसएस को 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, वो अपना बहुत हर्षोल्लास के साथ एक गर्व गौरव करने वाला अपना दिन मनाने वाला है, 100 वर्ष पूरा शताब्दी। उस उपलक्ष में हमने ये हमारे संगठन ने ये तय किया था कि जो इस तक हम बड़े पैमाने पर सफल हो सकते हैं और 25 में जो मनुस्मृति को 200 साल पूरे हो रहे हैं उस संबंध में हमारा बहुत बड़ा इस देश में एक्शन होगा। हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है माननीय ब्राह्मण मेसरा बहुजन समाज का और हमारा जो जो लार्जेस्ट संगठन है उसका बहुत बड़ा एक्शन होगा। इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं, हम इस रणनीति में कहाँ अब किस मैदान पे? पहली बात तो अभी हम लोग बड़ी बहुत बड़ी रणनीति पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं। 2025 में आरएसएस को 100 साल पूरे हो रहे, आरएसएस के लिए 2024 का चुनाव जीतना बहुत उनके लिए इम्पोर्टेंट है, ये भी चीज़ हम लोग जान रहे हैं। अभी 2024 में चाहे बीजेपी आरएसएस कितनी भी ताकत लगा ले 2024 में बीजेपी की सरकार बनेगी नहीं, ये 200% सच है और उस रणनीति पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी वो रणनीति हम लोग एक्सपोज करना नहीं चाहते क्योंकि मैं कोई बहुजन मुक्ति पार्टी का या कोई किसी राजनीति दल का मैं कोई नेता नहीं हूँ, तो जिस रणनीति पर हम लोग काम कर रहे हैं वो रणनीति हम लोग अभी उसको एक्सपोज नहीं करना चाहते, बताना नहीं चाहते। लेकिन चाहे आरएसएस कितनी भी ताकत लगा ले, बीजेपी कितनी भी ताकत लगा ले, 2024 में उनको रोकने का पूरा प्लान पूरा बंदोबस्त बनाकर अभी हम लोग देश भर में लगे हुए हैं और आने वाले दिनों में आपको प्लान बताने की जरूरत नहीं है तो खुद आपको दिखाई देगा। धन्यवाद।